वहीं दुर्ग महिला कांग्रेस द्वारा कांग्रेस की सांसद फूलो देवी नेताम का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर राजीव भवन में केक काटकर महिलाओं ने दी अपनी शुभकामनाएं। दुर्ग शहर महिला कांग्रेस द्वारा राजीव भवन में मंगलवार को कांग्रेस की सांसद फूलो देवी नेताम का जन्मदिन मनाया गया। शहर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कन्या ढीमर ने सांसद फूलो देवी नेताम को जन्मदिन के अवसर पर केक काटकर अपनी शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर वरिष्ठ समाज सेविका व एल्डरमैन रत्ना नारमदेव, शबाना निशा रानी, मीडिया प्रभारी प्रीति साहू, नाहिद अशरफी सहित बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं। महिला प्रदेश अध्यक्ष के आज फूलो देवी दीदी के आज जन्मदिन है और हम सब चाहतन, हमार जितना बहनी मन है और हम पूरा छत्तीसगढ़ की बहनी मन ये चाहतन कि फूलो दीदी है ये सांसद, राज्यसभा सांसद के सदस्य है, तो एक हम ओला ये संदेश देना चाहतन कि हमार बहनी मन के लिए, हमार छत्तीसगढ़ के जो हमार महिला बहनी मन है ओकर लिए कुछ अच्छा करे, ताकि हमू मन गर्व से बोलन कि हमार फूलो देवी आज प्रदेश अध्यक्ष जी के हमार मन के लिए कुछ करे है करके, एक लिए मैं फूलो देवी दीदी ला बहुत बहुत बधाई देता हूँ जन्मदिन के, और वो संदर्भ जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और ये संदेश देता हूँ कि दीदी और ओकर से विनती करा था कि हमारे महिला मन के लिए कुछ करें। आज हमारे छत्तीसगढ़ के प्रदेश महिला कांग्रेस फूलो देवी नेताम जी का 51वां जन्म दिवस है। आज महिला कांग्रेस उनका जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास से राजीव भवन दुर्ग में मना रही है, क्योंकि वो यहाँ पर नहीं है ऊपर से, क्योंकि दिल्ली में है, तो हर जगह महिला कांग्रेस उनका सम्मान में इस कार्यक्रम को रखी है, और हम ये चाहते हैं कि हमारे प्रदेश की जो महिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं हमारी महिलाओं के लिए कुछ ऐसे कार्य करें जिससे महिलाओं का नाम पूरे छत्तीसगढ़ से पूरे भारतवर्ष में चमके, क्योंकि हम चाहते हैं महिलाएं जो घर से जो सुबह से उठती हैं, घर गृहस्थी को देखती हैं, उसके बाद जब कांग्रेस के कार्यक्रमों में बीच में उपस्थित होकर के कार्यकर्ता के रूप में निकलती हैं, तो परिवार के साथ साथ वो कांग्रेस पार्टी को भी इतना इम्पोर्टेंस देती हैं, महत्व देती हैं, कि परिवार वाले भी कई बार बोलते हैं कि आप इतने दिन और कांग्रेस के लिए काम करते हो तो आप लोगों को भी एक अच्छा मौका मिलना चाहिए, और हम कोशिश करेंगे और माननीय फूलो देवी नेताम जी से भी अनुरोध करेंगे कि हमारी जितनी बहनें आती हैं, क्योंकि वो परिवार के बीच में निकल कर काटती हैं और जिन संघर्षों के साथ निकलती हैं आप सबको मालूम है, तो हम चाहेंगे कि उनको कार्यकर्ताओं को हमेशा सम्मान मिलता रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।